नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है फ्राइडे के दिन। दोस्तों, न्यू वीक की शुरुआत है और न्यू मंथली सीरीज की भी शुरुआत है। पहले हम बात करेंगे आज के दिन निफ्टी में क्या हुआ। दोस्तों, आज का दिन शानदार रहा निफ्टी के लिए, 216 पॉइंट्स प्लस में बंद हुआ है निफ्टी। बहुत दिनों बाद एक अच्छी रैली निफ्टी में आई, क्योंकि अगर लास्ट अगर 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो कंसोलिडेट कर रहा था, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था निफ्टी। आज वो रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी हुई है, तो ये बहुत अच्छी क्लोजिंग है। तो मैं आपको बताया था कि 18400 के ऊपर जाएगा तो डायरेक्टली 18500 देन 18600 जो लाइफ हाई है वो टच कर सकता है। तो कल के दिन पॉसिबिलिटी है 18626 का जो लाइफ हाई है वो ब्रेक करें। और जैसे जी देखो, फ्लैट ओपन हुआ था आज, यानी गैप अप अभी उतना ज्यादा गैप अप नहीं था, फ्लैट ही ओपन हुआ था निफ्टी। उसका थोड़ा डिप आया, ठीक है, लो देखिए 18290। मैंने बोला था कि 18300 के ऊपर अगर 10 to 15 मिनट सस्टेन करता है देन हमें टारगेट्स मिल सकते हैं 350-400 इंट्राडे, और 400 ऊपर सस्टेन करे तो डायरेक्टली 450-500 के टारगेट्स इंट्राडे में मिल सकते हैं। वैसे ही हुआ, 500 तक निफ्टी गया आज, 18521 का हाई मार्क है और क्लोज हुआ 18485। बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है। जिन्होंने भी पोजिशनली जो दिसंबर सीरीज के फ्यूचर्स रोल ओवर किए हैं वो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 18300। अभी आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 18300, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट बन चुका है अभी, जो अभी तक रेजिस्टेंस का लेवल कर रहा था, क्योंकि 18300 जाके वहां से गिर रहा था मार्केट निफ्टी, वहां से ही मतलब रिवर्स हो रहा था। पर आज के दिन 18300 के ऊपर जाके अच्छे से क्लोजिंग हुई, तो 18300 का आपको स्टॉप लॉस रहना चाहिए। टारगेट्स आपके 18600 पहला टारगेट, और नेक्स्ट टारगेट 18800। डायरेक्टली 18800 तक जा सकता है निफ्टी ये वीक में, अगर 18600 के ऊपर क्लोजिंग दे तो। आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे 18300। अगर ये आ जाता है निफ्टी कल के दिन तो आपको उसको ऑल ऑफ कर लेना है, ठीक है। और जो न्यू ट्रेड्स करना चाहते हैं, यानी फ्रेश ट्रेड्स, वो मॉर्निंग में ओपन अगर फ्लैट होता है तो आपको बाय करना है, और इंट्राडे टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा 18400, ठीक है। 484 पे बंद हुआ है, अगर 500-550 के बीच अगर ओपन होता है तो आपको वहां पर बाय करना है 100 पॉइंट नीचे, यानी 18450 का एसएल लगा के आपको बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 18600, 18650, ये इंट्राडे लेवल है। तो सब हम दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। दोस्तों, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 43075 के लेवल्स में हुआ है। लाइफ हाई निफ्टी बैंक ने भी आज बनाया है, 43163 का हाई बनाया है और क्लोजिंग हुई 43075। बहुत अच्छी क्लोजिंग है। दोस्तों, जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशंस होल्ड किए दिसंबर सीरीज की, जिन्होंने रोल ओवर किया है वो होल्ड कर सकते हैं। आपका भी जो स्टॉप लॉस बन के आएगा वो है 42500, क्योंकि यही मेजर सपोर्ट है 500 पॉइंट नीचे यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए, और क्लियर टारगेट्स है 43500, 43500 और 44000 भी आ सकता है ये नवंबर के एंड में, ठीक है। यानी ये पहला दिसंबर का जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी दिसंबर सीरीज की फर्स्ट एक्सपायरी, तो वहां पर 44000 बैंक निफ्टी भी आने के चांसेस है। तो सो बैंक निफ्टी जिनके पास भी है वो होल्ड कर सकते हैं, और जिनको फ्रेश पोजीशन बनाने का, अगर फ्लैट या फिर 100 पॉइंट का गैप अप भी होता है तो आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है 42500। अगर इंट्राडे में आता है ये तो आपको यहाँ पर एग्जिट लेना है, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप होल्ड कर सकते हो। जो इंट्राडे प्लेयर्स है, सिर्फ इंट्राडे करते हैं, उनके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 42800 रहेगा। जैसे 42800 ब्रेक होता है तो आपको वहां से एग्जिट करना है, क्योंकि इसके नीचे और फॉल आ सकता है इंट्राडे में, और ऊपर के लेवल्स जो रहेंगे 43200, 43300, ये ऊपर के टारगेट्स रहेंगे। तो सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में यही वर्डिक्ट रहेगी कि दोनों में बाय है, और कोई भी डिप मिलता है 50, 100, 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी या निफ्टी में, आपको वहां पर बाय करना है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट अभी भी है, थोड़ा कॉशियस रहिए निफ्टी बैंक में। जो जो पोजिशन होल्ड कर रहे हो 42500, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है आपको दिख रही है तो वहां पर एग्जिट लीजिए, क्योंकि वहां उसके नीचे एक शार्प फॉल आ सकता है, 2-3000 पॉइंट्स का शार्प फॉल आ सकता है दिसंबर सीरीज में। ये ऑल टाइम हाई पे हाई लगा रहा है बैंक निफ्टी, कोई रेजिस्टेंस लेवल भी नहीं है कि कहाँ पर जाके रुक सकता है, कोई लेवल्स भी नहीं टेक्निकली चार्ट में हम देख नहीं सकते क्योंकि लाइफ हाई है। तो इसीलिए दोस्तों कॉशियस रहिए निफ्टी बैंक में। जो इंट्राडे प्लेयर्स है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 42800, यानी कि क्लोजिंग से 200-250 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है, ये स्ट्रिक्ट है। अगर इसके नीचे जाता है तो आपको एग्जिट कर लेना पोजीशंस, ठीक है। और ऊपर के टारगेट्स मैंने बताया 43200, 43300, ये इंट्राडे में अच्छी लेवल है बैंक निफ्टी में। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना।